एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने मंगलवार को पुलिस लाइन में बने कोविड केयर हेल्प डेस्क के साथ पुलिस लाइन में बन रहे महिला हॉस्टल तथा बाउंड्री वॉल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसएसपी ने कोविड हेल्प डेस्क के व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके अलावा पुलिस लाइन परिसर के साफ सफाई का भी निरीक्षण किया गया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने बताया। अरे चाचा आए हैं साथ, फोटो तो ले रहे हैं ना। आप सर दोबारा चेक कराइए सर, बैंक ऑक्सीमीटर दिखाओ। चलिए हम फॉर्म पर फॉर्म पर आप तो हाथ हाथ तक की आ जा रहा है। पानी से तुम्हारी दुकान क्यों नहीं बंद हो जाती? लाइसेंस कैंसिल कराओ, फोटो खींचो, इधर से खींचो। थोड़ा सा बना देगा तो ये लोग अपना स्लैब डाल लेंगे अपने हिसाब से गाड़ियों के आने जाने। यहाँ से ब्लैक टॉप बनानी पड़ेगी आपको। यहाँ जो है पोर्च आगे बढ़ेगा थोड़ा सा, इस तरह से पोर्च को सीढ़ी आगे आएगी और यहाँ एल शेप का काउंटर आप ये देख लो और ये देख लो, समझ आ रहा है? कहाँ पर था ये, एक हो गया इसका, ये सेटअप हो गया, ये वाला इसमें देखने नहीं आ रही। एक कमरा ये हो गया और कमरा वो हो गया, ठीक है। एक दो तीन चार बनाएंगे, ये पीछे इसके बाथरूम हो जाएगा, उधर है ये इसके पीछे जाएगा, जाने का रास्ता ही।
बड़ा आपका इतना बड़ा बन जाएगा पूरा ऐसे कमरा हो गया इसका गेट यहाँ पर आ जाएगा। काफ़ी बारिश हुई, उस बारिश को लेकर के भी पुलिस लाइन में चूंकि हमारी फैमिलीज रहती हैं, साफ़ सफाई की व्यवस्था क्या है और कोविड हेल्प डेस्क एक पुलिस लाइन में खोली गई है जिसमें कोई भी पुलिस कर्मचारी आकर के वहां पर सलाह सहायता ले सकते हैं और सैनिटाइज़र, आपका थर्मल इमेजर, पल्स ऑक्सीमीटर, इन सब की सुविधाएँ हैं और साथ ही साथ पुलिस क्वारंटाइन बैरक भी है और लगातार वहाँ पर अवेलेबल है सहायता, उसको भी चेक किया गया। और जो पुलिस लाइन में विभिन्न तरह के काम और बाकियों के रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर वगैरह का भी निरीक्षण किया गया।